आम आदमी पार्टी में घमासान के बीच अहम बैठक यहां पर हो रही है। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक है जिसमें कुमार विश्वास भी पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी में छिड़े घमासान को थामने की कोशिशें देर रात तक चलती रहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास से लगभग एक घंटे तक मुलाकात की, इसके बाद वो बाहर निकले। हालांकि मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो बड़ा फैसला पीएसी की इस बैठक में लिया जा सकता है जिसमें कुमार विश्वास भी पहुंच गए हैं। अहम इस बैठक को इस तौर पर माना जा रहा है क्योंकि बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है। कुमार विश्वास पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कुमार विश्वास इस बैठक में शामिल होंगे या फिर नहीं, लेकिन अब वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए। दीपक, अटकलें लगाई जा रही थी कि कुमार विश्वास शायद बैठक में शामिल ना हो, लेकिन अब जब बैठक में शामिल हो गए हैं तो क्या कुछ मांगे वो इस बैठक में रख सकते हैं, कौन कौन से मुद्दे उठा सकते हैं? जी देखिए, जिस तरीके से कुमार विश्वास का कल बयान से आया मीडिया पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा और बोलते थे हमें भावुक भी हो गए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके के आरोप अमानतुल्लाह खान ने उनके ऊपर लगाए उसके बाद से ये लगता है कि पार्टी के लिए अमानतुल्लाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुमार विश्वास के खिलाफ इतनी बड़ी बात कही है, सिर्फ उन्हें पीएसी से हटाया गया क्योंकि पीएसी के मेंबर है अमानतुल्लाह खान, जबकि पार्टी से नहीं निकाला गया। आज जिस तरीके से कल रात की अगर बात करें, रात के 3 बजे तक मीटिंगों का दौर चला है। कुमार विश्वास के घर की बात करें या केजरीवाल के घर की बात करें जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, उसके बाद पीएसी तय की गई 11 बजे सब कुछ निर्धारित होगा कि क्या होना है आगे, किस तरीके से पार्टी आगे रणनीति के तहत काम करेगी। यह वजह है कि शायद जो रात को 3 बजे तक मीटिंग चली है, जिसके बाद कुमार विश्वास को मनाया गया और उन्होंने पीएसी में बुलाया गया, क्योंकि पीएसी के मेंबर वो भी हैं। पिछली बार जब पीएसी हुई थी तब वो नहीं शामिल हुए थे, तो अब पीएसी में शामिल हुए तो काफी हद तक ये माना जा रहा है कि बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इनकी बात कुमार विश्वास से बनती है तो ये भी साफ है कि अमानतुल्लाह खान के लिए ये काफी अलग साबित हो सकता है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान को पार्टी से निकाला जा सकता है इसके बाद। जी दीपक, अमानतुल्लाह खान को पार्टी से निकाला जा सकता है, ये फैसला जाहिर तौर पर आ सकता है, हो सकता है इस पीएसी की बैठक में फैसला लिया जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो फिलहाल कुमार विश्वास जो हैं वो बैठक में पहुंच गए हैं और कल देर रात तक उन्हें मनाने का सिलसिला जारी रहा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की, लगभग एक घंटे तक यहाँ पर बातचीत हुई थी और अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमानतुल्लाह को पार्टी से निकाला जा सकता है, क्योंकि इस बात से नाराज थे कुमार विश्वास के पार्टी में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो घमासान के बीच ये बेहद अहम बैठक जिसमें तमाम मुद्दे कुमार विश्वास की तरफ से भी उठाए जाएंगे। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के अंदर मौका दिया जाए, उन्होंने इसको लेकर जो प्लान बनाया है उसे लागू किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जो वीडियो उनका जारी हुआ था उसको लेकर वो कोई माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर उनका विरोध भी किया था। तो अमानतुल्लाह खान पर कड़ी कार्रवाई की मांग कुमार विश्वास ने की है। पार्टी और संगठन के बीच के जो रिश्ते हैं उनको लेकर भी तमाम मांगे कुमार विश्वास की तरफ से इस बैठक में उठाई जा सकती है।